गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण पाठक की दुनिया। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज मैंने पहना है जींस टॉप और ये देख सकते हो। तो आज मैं जा रही हूँ क्योंकि आज का स्पेशल डे होने वाला है और मुझे तो बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे जो बाहर के व्लॉग हैं वो लोगों को पसंद भी आते होंगे थोड़े से। तो मैं आज जा रही हूँ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में। आज संडे भी है तो बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर क्राउड भी होगा। तो चलिए, आज मैं आपको सरोजनी नगर लेके चलती हूँ और वहाँ पर शूट करके आपको सब कुछ दिखाती हूँ कि कैसा वहाँ पर है और कितनी भीड़ हो सकती है, संडे है तो कैसा क्राउड है और क्या क्या लेने जा रही हूँ मैं, क्या पसंद आता है मुझे, तो सब कुछ मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। हम जा रहे हैं सरोजनी नगर और बस का वेट कर रहे हैं। आज हम जाएंगे बस से, मेट्रो से हमारे यहाँ से थोड़ा सा दूर है तो हम मेट्रो से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ से बस सीधी जाती है तो हम बस पे जाएंगे आज। कभी कभी बस का भी ट्रैवल करना चाहिए। और मेरे साथ है तनुजा और वंदना। जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट। फ्रेंड्स, हमारा बस में जाना हो गया है कैंसिल। हम यहाँ तक तो बस में ही आए हैं और सरोजनी नगर की बस हमें नहीं मिल रही थी डायरेक्ट, क्योंकि आज संडे है इसलिए बस नहीं मिल रही थी। तो हम जा रहे हैं अभी मेट्रो से। तो हम मेट्रो से डायरेक्ट सरोजनी नगर जाएंगे। बीच में चेंज करना होगा, पिंक लाइन लेनी होगी, जो भी लेनी होगी, ब्लू लाइन पिंक लाइन वो लेंगे और फिर जाएंगे डायरेक्ट सरोजनी नगर। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं अब सरोजनी नगर मार्केट के अंदर और आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पर संडे का दिन है और इसलिए सब सोचे होंगे कि ऑफ सीजन चल रहा है तो चलो विंटर कलेक्शन कुछ लेने चलते हैं। तो जैसे कि हम आए हैं ऐसे ही सब बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अब अंदर देखते हैं कितना ज़्यादा होता है। तो ये एंट्री करते ही हमें सबसे पहले मिल गया है इयररिंग्स का स्टॉल, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ है। तो पहले मैं यहीं ट्राई करती हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ गले के लिए एक चेन जो कि अलग अलग स्टाइल में है और ये 50 रुपीज़ बोल रहे हैं भैया, पर इसने अभी बार्गनिंग करके 30 रुपीज़ का कर दिया है। यहाँ भी मैं देख रही हूँ अभी इयररिंग्स जिनका प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ है, दीज आर ऑल 50 रुपीज़। तो यहाँ भी मैं एक बार चेक कर रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर फुटवेयर के स्टॉल पे, जिनका प्राइस अभी इन्होंने 350 बताया है, बट बार्गेनिंग करने के बाद इन्होंने अभी 250 बोल दिया। बट मैं तो अब हम आ गए हैं एक शॉप पे जहाँ पर आपको जारा, मैंगो और H&M ब्रांड का कलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर विंटर का सब कलेक्शन मिल जाएंगे। देन अब आ गए हैं एक फुटवेयर की शॉप पर, जिसके साथ में एक और शॉप है कपड़ों की, वहाँ पर भी ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं रीजनेबल प्राइस में, बहुत कम प्राइस में। और यहाँ बाहर आप देख सकते हो जगह जगह स्टॉल भी लगे हुए हैं 100 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में। तो अभी हम यहाँ ट्राई करेंगे, उसके बाद हम फुटवेयर की शॉप पे जाएंगे, वहाँ भी वो कम प्राइस में और अच्छे फुटवेयर मिल रहे हैं। वंदना अपने ऑफिस के लिए कुछ फॉर्मल जैकेट्स ट्राई कर रही है, तो ये भी इन्होंने भैया ने अभी 250 रुपीज़ बोला है, लेकिन अभी वो बार्गेनिंग करवा रही है तो उन्होंने 150 बोल दिया है। हम सोच रहे हैं कि इसको 100 रुपीज़ में और मिल जाए। हम यहाँ आ गए हैं मेंस की जैकेट्स में, कि एडिडास की जैकेट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ओनली 250 रुपीज़ है और उसके बाद बार्गेनिंग कराएंगे तो ये भी कम में हो जाएगा। अभी हम आ गए हैं स्कर्ट की स्टॉल पे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 200 रुपीज़ इसका प्राइस है, पर इन्होंने भी अभी थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है। तो मैंने ये प्रिंटेड वाली लॉन्ग स्कर्ट देखी है अपने लिए, जो कि भैया ने अभी, इनका स्टॉल तो 200 का है बट इन्होंने अभी 150 कर दिया है क्योंकि शाम का टाइम होता जा रहा है ना, इसीलिए। हम आ गए हैं फुटवेयर की शॉप पे, यहाँ पर आपको ब्रांडेड फुटवेयर भी मिल जाएंगे, बूट्स मिल जाएंगे, स्टाइलिश सैंडल। सो अभी मैं आ गई हूँ फिर से एक्सेसरीज की स्टॉल पर, जहाँ कि मैं अपनी साड़ी के लिए कुछ बैंगल्स देख रही हूँ ब्लैक कलर में, बट अभी यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा वो सिल्वर वाला मिला था, वो मेरी साड़ी से मैच नहीं करेगा, बट इनके प्राइस भी 50 रुपीज़ हैं। सो यहाँ अभी मैं देखने आ गई हूँ नन्नू और पिंसू के लिए कुछ विंटर वाले पजामे और टी शर्ट। देन अब आ गई हूँ मैं अपने लिए कुछ विंटर के पजामे देखने के लिए, इन्होंने भैया ने अभी ये 150 के पजामे बोल रहे हैं, बट इसको भी अब हम 100 रुपीज़ में ही कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ होती है, ये प्राइस ऐसे बोल देते हैं, उसके बाद अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो वो कम कर ही। तो अभी हम अंदर वाली शॉप में आ गए हैं बैग्स की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांड के बैग्स जो कि अच्छे स्टाइलिश पैटर्न काफ़ी अच्छे दिखेंगे, जिनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल अफोर्डेबल है। तो आप यहाँ आके विजिट करें। हाँ,
अरे टाइट नहीं है, हो जाएगा टाइट, वो थोड़ा टाइट करना। ये है डेली वेयर के लिए जो इयररिंग्स आते हैं और टॉप्स जो कि 30 रुपीज़, और ये बड़े वाले हैं 50 रुपीज़ के, नीचे मिलेंगे 30 रुपीज़ के। तो मैं एक इयररिंग्स भी अपने पे लगा के देख रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहे हैं। इसमें और भी कलर है और ये भी 30 रुपीज़। बिलीव नहीं करोगी जो सेट मैं अपने पे लगा के देख रही हूँ कि ये कितने का होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का है, क्योंकि इन्होंने खुद बताया है कि स्टार्टिंग प्राइस जो है इसका 100 रुपीज़ है। अगर कम करवाएं तो शायद 80 तक तो आ ही जाएंगे, 50 नहीं 80 तो हो ही जाएंगे। 550 का, 60 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 का
इंतज़ाम हो रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, पर फिर भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, देखते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अब विंटर कलेक्शन की तरफ। यहाँ पर आपको हाई नेक की स्वेटर्स वगैरह और लॉन्ग ड्रेस है विंटर कलेक्शन में, तो यहाँ भी आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा ही कम है, 250 रुपीज़ ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी पीछे की तरफ आपको दिखेंगे ट्रेडिशनल जूती जिनकी प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ हैं। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कुछ अच्छा मिल जाए, देन इसके बाद देखते हैं। पन्नी है, पन्नी लेके आई हूँ, पकड़ मेरे पास में है पन्नी, निकल जाएगा। शुभ नंबर भी लिख लेना, 104 है। हम वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, हाँ तभी बता रहा हूँ। तो थोड़ा रेट बढ़ा के डालना, ब्लॉगिंग करते हैं ना, क्या करते हो? ब्लॉगिंग करते हैं। ऑनलाइन नहीं करते भैया, ब्लॉगिंग करते हैं। ये तो मैंने डाल रखा। ये शॉप भी अच्छी है सरोजनी नगर के अंदर, अच्छे अच्छे वन पीस मिल जाएंगे आप सबको, तो यहाँ भी आप आके विजिट कर सकते हो। अभी हमने ये ड्रेस ग्रीन कलर का लिया था लेकिन उसको थोड़ा साइज की प्रॉब्लम थी तो उसने नहीं लिया, उसको काफी लॉन्ग हो रहा था, कटवाना पड़ता, तो इस पर्पज से हमने लिया नहीं, और उसको एक्सचेंज करवा के वो विंटर कलेक्शन कुछ ले रही है, विंटर में वन पीस तो अच्छा अच्छा है। यहाँ पर सरोजनी नगर के अंदर है ये शॉप, हम कई बार यहाँ से पहले भी ले चुके हैं, फैब्रिक अच्छा है इनका, स्टफ वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा है। मिल गए हैं पूरे दिन घूम घूम के छोटे छोटे समोसे, ये भी वीडियो में आपको थोड़े बड़े दिख रहे होंगे पर ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटा साइज है इनका, तो हमें भूख लग गई है तो हम खा रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ मिक्स एंड मैच का, अपनी साड़ी के साथ मैच की चूड़ी या बैंगल्स कुछ भी मेरे को मिल जाए, बैंगल्स मिल जाए या चूड़ी मिल जाए मेरी साड़ी के साथ, तो मैं यहाँ देखूंगी। तो देख सकते हो आप कितने प्यारे प्यारे डिजाइन, स्टाइल और कलर कितने अच्छे अच्छे निकल रहे हैं बस यहाँ से, देख लो लास्ट सरोजनी नगर, टाइम भी हो गया है तो अभी थोड़ा सा भीड़ कम होती जा रही है, और जो इनके प्राइस है वो भी कम हो रहे हैं, इसका मतलब फ़ायदा यहाँ पर आने का ये है क्योंकि आप रात के टाइम आओगे मतलब 7 बजे के बाद, तो यहाँ पे रेट कम हो जाएंगे, मैंने आज ही मुझे पता चला है। आराम से थोड़ा मैं सब बढ़ाएगा ना, बहुत बड़ा हो गया ना। सब हम जा रहे हैं, मैंने ब्लाउज भी ले लिया है मम्मी का वुलन वाला, और उसके चप्पल टूट गई थी, मैडम की चप्पल भी ली है तो मेरे को लेनी थी, मैंने ले ली और इसलिए पता, तो
हम घर जा रहे हैं, रास्ते मेट्रो की तरफ। सो अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं वंदना का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी है और लाइन लगी है टोकन की। और कार्ड हमारे में अभी रिचार्ज नहीं था और कार्ड वाली भी लाइन थी, अगर मैं कार्ड भी रिचार्ज करवाते हम अभी तो उसके लिए भी खड़ा होना पड़ता है। तो अभी हम टोकन ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें बहुत वेट करना पड़ रहा है। सो 9 बज चुके हैं और अभी हम सरोजनी नगर के स्टेशन पर ही हैं, यानी कि अभी हम सरोजनी नगर में ही हैं और मेट्रो का वेट कर रहे हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, 9 बज गए हैं। तो अभी हम बैठे हैं मेट्रो में, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, ये सब सरोजनी नगर से ही शॉपिंग करके आ रहे हैं। और अभी हम बीच रास्ते में हैं, ये नहीं पता है कि अभी कहाँ पहुँचे हैं, पर सरोजनी नगर से निकल चुके हैं। तो काफ़ी मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं वंदना से बात भी कर रही हूँ, अभी आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, रिकॉर्डिंग करके मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था। तो वंदना से मैं यही बात कर रही थी कि इतने सारे हमने जो शॉपिंग करी है इतने कम बजट लेके, इतना कम रीज़नेबल प्राइस में, क्योंकि जितना मैं सोच के गई थी ना कि मेरा इतना हो जाएगा, उससे मेरा बहुत कम में हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत सारी खुश हूँ कि मैंने कितने सारे, मतलब मैंने विंटर कलेक्शन लिया, एक्सेसरीज़ लिया और फुटवेयर भी लिया, तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि कितना सारा सामान मैंने इतने कम बजट में ले लिया, तो ये बहुत ही अच्छा था। तो मेक श्योर आप भी विजिट करना सरोजनी नगर में, अभी इस टाइम बहुत अच्छा कलेक्शन भी आया हुआ है ऑफ सीजन का और बहुत अच्छा अच्छा रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप ज़रूर चेक करना। तो बस हम वही लेकर आ गए हैं अभी मेट्रो से, आप देख सकते हो सुनसान हो गया है बिल्कुल, रास्ता सुनसान है क्योंकि 10:15 हो गए हैं, 10:15 का टाइम हो गया है, फटाफट से रिक्शा विक्शा मिल जाए ताकि हम घर पहुँचे। हम आ गए हैं अब घर पे, मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, बस खाना खाती हूँ क्योंकि हमें वहाँ टाइम नहीं मिला खाना खाने का, कुछ भी खाने का, बस हमने वो हल्का फुल्का वो समोसा खाया, उसके अलावा हमें एल्टीस हमने कुछ नहीं खाया। तो अब बस खाना खा के सो जाएंगे, थक गए हैं, पैर ऐसे हो गए बिल्कुल पत्थर जैसे हमारे, घूम घूम के पता ही है, जो लोग सरोजनी नगर जाते हैं उनको पता ही होगा कि क्या हालत होती है, ऊपर से संडे था, भीड़ थी, तो बहुत ही ज़्यादा फजल जैसा हो गया है बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं अब एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, जो मैं हमने सरोजनी नगर में जो भी घूमा और जो भी मैंने सामान लिया उसके लिए मैं अलग ब्लॉग लेकर आऊँगी, तो मैं कल मैं आपको दिखाऊँगी अनबॉक्सिंग एंड पैकिंग की मैंने क्या सामान लिया है। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय।